heart there in politics. Absolutely. I think we've got Manish Singh ji with us at the moment of the Samajwadi Party. Manish Singh ji, namaskar. Namaskar, sir. नमस्कार, जय भवानी। कैसे हैं सर? जय भवानी। अरे सर, क्या बात है सर, क्या लग रहे हैं, बस क्लास। अभी तो सर अभी नेपाल में हैं कि आ गए वापस? अभी वहीं वापस आ गए सर मैं इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? आपके शहर में हूँ सर। दिल्ली में? तो आप तो नेपाल जा रहे थे ना, आप नेपाल की जो समझ? नेपाल से आ गया सर, कल ही काठमांडू से वापस। क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल। तो वहाँ पर नेपाल की जो सोशलिस्ट पार्टी है, उन्होंने आपको इन्वाइट किया था कॉन्फ्रेंस के लिए। जबरदस्त सर। तो अभी क्या है सर आगे, क्या मतलब? सुना यह है कि अखिलेश यादव जी ने हिदायत दी है कि भाई अब आप लोग असेंबली इलेक्शन के लिए तैयारी करें सब लोग, मतलब अभी लड़ाई जो है सिर्फ फर्स्ट पार्ट जीते हैं, आगे बहुत कुछ काम करना है। मनीष सिंह जी, सर जी जी सर, जो परिणाम आया है 2024 के लोकसभा के चुनाव का जी, उसमें जो 37 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी को मिली है, तकरीबन विधानसभा में हम 221 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हम लोगों ने जीता है। 221 विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है जी। और गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो गठबंधन के अन्य जो उम्मीदवार थे उसमें हम लोग 292 सीटों तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस समय असेंबली के हिसाब से अगर 403 विधानसभाओं में 290 और 292 तक अगर भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने हराया है तो सर ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सामाजिक न्याय की नीति है, अग्निवीर जो योजना थी, जो हमारी गैर बराबरी का जो मसला हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने उठाया, आरक्षण का मसला उठाया, इन मुद्दों पर जनता हमारे साथ खड़ी हुई, हमारी नीतियों को, हमारे सिद्धांतों को स्वीकार किया। और हम लोग 2022 का चुनाव हारने के साथ ही हम लोगों ने 2024 की तैयारी शुरू किया और उसके बाद से उसी के साथ ही हम लोगों ने प्रण लिया था। जैसे एक संकल्प होता है कि हम लोगों के मन में ये भावना थी कि 2024 तो मजबूती से लड़ेंगे, 2027 तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो सर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ही विश्वास के साथ, चूंकि जनता का सिद्धांत, जनता का जो विचार है वो इस समय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों से जुड़ा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने जिन मुद्दों को उठाया वो जनता का मुद्दा है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की मुखालफत करेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर के देश की संसद तक पार्टी से सवाल। मुबारक हो सर आपको, जबरदस्त, साधुवाद आपको, कंग्रेचुलेशंस। क्या चुनाव लड़े यार, मान गए, बिल्कुल मान गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आपने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। जबरदस्त सर। प्रदीप सर हमेशा अयोध्या की बात पूछते थे जब हम लोग पहले डिबेट करते थे तो मैं हमेशा कहता था सर, देखिए सर, बजाज सर आप तो मतलब बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी बहुत जानते और समझते हैं। लोहिया जी हमेशा एक नारा देते थे कि हम महारानी के खिलाफ मेहतरानी को लड़ा करके जिताएंगे। श्री अखिलेश यादव जी इसलिए देश की राजनीति में साधुवाद के पात्र है, उनको साधुवाद दिया जाना चाहिए कि लोहिया जी की जो नीतियां थी, उनके जो नारे गढ़े गए थे, उन नारों को आज के समय में श्री अखिलेश यादव जी ने चरितार्थ किया है और उसको पूरा किया है। ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम लोग होते हैं, देश के बहुत कम नेता है जो इस बात की हिम्मत जुटा पाते हैं कि सामान्य सीटों पर दलित वर्ग के प्रत्याशी को उतार करके उनको लड़ाए और उसके बाद से उनको जिताए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो मेरठ में अभिनय की दुनिया के जो राम जी का जिन्होंने चरित्र निभाया था, अरुण गोविल जी, उनके खिलाफ दलित वर्ग से एक व्यक्ति को उन्होंने, एक महिला थी, उनको उतारा, उन्होंने मजबूती से, अब वो शासन और प्रशासन में जबरदस्ती चुनाव हरा दिया तो सर इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक जनमानस का सवाल है, अरुण गोविल जी आज के समय में जनमानस के वोट से हारे हुए हैं, शासन और प्रशासन ने उनको एमपी बनाया है, जनता ने एमपी नहीं बनाया है। लेकिन अयोध्या की जो महान जनता है उसने साबित कर दिया कि जनता की ताकत से बड़ी किसी भी हस्ती और किसी भी सामंती व्यक्ति की ताकत नहीं होती है। अवधेश प्रसाद जी, मैं बार बार प्रदीप सर जब सवाल पूछते थे तो मैं जिक्र करता था कि 8 बार का लगातार विधायक होना और लोकप्रियता के साथ बिना किसी तरह के दाग लगे हुए 8, 25, 40 मतलब 40 बरस का जिसका संसदीय जीवन है, संसदीय जीवन में किसी के ऊपर अगर
कोई भी किसी भी तरह की कालिख न लगी हो, और उसके बाद से अगर वो जनमानस के सामने एक सांसद की प्रत्याशी के रूप में जाता है जिसमें हर वर्ग हर समाज के व्यक्ति का सम्मान किया हो, तो उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने अवधेश प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमेशा अपनी बगल की सीट पर बैठाया, और बगल की सीट पर बैठाने के साथ साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से हमेशा अवधेश प्रसाद जी को अवसर दिया कि आप योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछिए। इसलिए कि सदन के आजम साहब के बाद सबसे वरिष्ठ सदस्य थे अवधेश प्रसाद जी, तो उनको जो सम्मान और जो आदर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव देते हैं, उनके व्यक्तित्व जो अवधेश प्रसाद जी का है वो बहुत बड़ा है। और चूंकि उनके ऊपर राजनीतिक और सामाजिक और किसी भी तरह के कभी कोई आरोप नहीं लगे, बहुत ही निश्चल और बहुत ही बेबाक नेता है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि जो हमारे पास लीडरशिप है ना, वो लीडरशिप बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट लीडरशिप है। जनता श्री अखिलेश यादव जी को अपना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चर्चा चल रहा है बार बार, लोग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि एज ऑन टुडे बहुत फिट है अखिलेश यादव जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन करना, बिकॉज अगर बीजेपी का रथ वहां पर आप नहीं रोकते तो आज वन साइडेड जीत जाते बीजेपी। तो क्या अखिलेश यादव जी एक्सेप्ट करेंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर मौका मिला तो? देखिए सर, ये तो इंडिया गठबंधन में जो परिणाम आने के बाद बैठक हुई, उसमें बैठक में बहुत सी राजनीतिक और सामाजिक और देश की भौगोलिक परिस्थितियों पर बात हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो करहल के विधायक का पद उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो देश की संसद में समाजवादी नीतियों विचारों सिद्धांतों को लेकर के पीडीए की जो हमारी रणनीति है उस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो सशक्त व्यक्ति जो हमारी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों विचारों को मजबूती से योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने की कुवत रखता होगा, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व देने जा रहे हैं। और ऐसा अवसर आने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से हम लोग आमना सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि देश का लोकसभा का सदन जब चलेगा और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जब सदन चलेगा तो उसमें जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे और जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों पर कितनी बहस होती है, कितनी चर्चा होती है, और जनता के हित में कितना फैसला होता है। मनीष सिंह जी, बीजेपी का कहना है देखो हमको 33 सीट्स मिले, उनको 37 सीट्स मिले, बट हमारा वोट शेयर ज्यादा है। बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा बोला 41.5 वोट शेयर है करीबन 42%, और आपका शायद 34 के आसपास 33.6। बोले कुछ गलतियां इसलिए होगी कि हमने योगी जी के कोई सीट्स माने नहीं, शायद 40 सीट उन्होंने बोले थे उसमें 4 ही दिए, तो जो मतभेद और जो मनभाव था उसी लिए, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके वोट शेयर में बीजेपी ही आगे है तो विधानसभा में वो कुछ नहीं होने वाला जो समाजवादी पार्टी सोच रहे, कैसे देखते हो वोट शेयर के हिसाब से कैसे देखते हो आप? प्रदीप सर, वोट शेयर से और उसके परसेंटेज से कुछ नहीं होता। हम तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ले गए थे 2022 के चुनाव में, 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिले, 36% से ऊपर वोट मिले, लेकिन हम सरकार नहीं बना पाए। सरकार कैसे बनेगी? हमारे मेंबर आप पार्लियामेंट मेंबर आप हमारे असेंबली कितने हैं, आंकड़े सांसद और विधायक को देख करके सदन में सरकार बनाई जाती है और बिगाड़ी जाती है। इन बातों से ऊपर उठ करके आपको और हमको और देश भर के लोगों को, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे इंडिया गठबंधन ने एक चैलेंज के रूप में खड़ा किया। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जिन मुद्दों को उठाया उनका कोई जवाब नहीं था। आज के तारीख में भी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को देखिए, मतलब मैं कहता हूं कि मतलब कितने बेशर्म लोग हैं कि आज के तारीख में भी जो लल्लू सिंह ने आरक्षण पर बयान दिया, जो अनंत हेगड़े ने बयान दिया संविधान पर, क्या उन संविधान पर दिए हुए बयानों को आज तक लल्लू सिंह से चाहे अनंत हेगड़े से एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या एक बार भी क्वेश्चन पूछा, एक बार भी उनसे सवाल पूछा कि आपने ऐसा क्यों बयान दिया? कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज के समय में प्रदीप जी अंतरकला की शिकार हो चुकी है। कोई मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करते हैं उसमें उप मुख्यमंत्री गायब रहते हैं, उप मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं उसको मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं, सारे फैसले दिल्ली में होते हैं। तो जब स्टेट की पॉलिटिक्स पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, डिमोरलाइज पोजीशन में आ चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा बजाज सर, मैं आपसे एक चीज गौर करने के लिए जरूर कहूंगा, आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए चुनाव में देखा है जी। लेकिन कहीं पर भी उत्साह उमंग और पटाखे कहां चले गए?
वो होर्डिंग्स बैनर डिस्प्ले पे लगा करके जो तमाम उमंग की तस्वीरें गुलाल उड़ाए जाते थे, वो गुलाल उड़ाने वाले चेहरे कहाँ चले गए? जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी कहाँ चले गए? वो बड़े हार भी नहीं देखे, वो मनीष सिंह जी बड़े हार थे और उसमें सिर्फ मोदी जी लगते थे उस हार के अंदर, वो पूरा बदल गया, छोटे हार है, सब लोग घुस जाते हैं उस हार में, तो पूरे वातावरण चेंज हो गया। सर भारतीय जनता पार्टी का जो अंतरकला है ना, वो अब दिख रहा है। मोदी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पूरे देश भर में सिर्फ आपकी तस्वीर की होर्डिंग लगी, किसी भी स्टेट लीडर की पॉलिटिक किसी की भी तस्वीर नहीं देश भर के कोने में। तो जिम्मेदारी अगर जीत की आप लेते हैं तो हार की भी जिम्मेदारी लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो इंटरनल क्राइसिस में आ चुकी है। और बजाज सर, आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी 5 दिन के प्रवास पर गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखनाथ मंदिर के परिसर में 5 दिन मोहन भागवत जी रहेंगे, और उस और पांचों जो क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, जो उनका अवध प्रांत है, जो पूरब का कानपुर प्रांत है, पता नहीं क्या क्या वो प्रांत बना करके अपना संगठन चलाते हैं, मोहन भागवत जी योगी आदित्यनाथ जी से बात करने के लिए 5 दिन गोरखपुर में रहेंगे। अब आप सोचिए कि उस गोरखपुर से मुलाकात के बाद कौन सी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी पैदा करने जा रही है और आरएसएस के लोग पैदा करने जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा, और ये कितने लंबे समय तक के लिए डूबेंगे अब इसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए कि जनता के जनादेश को, जनता के विचार को, जनता के सिद्धांत को जो भी राजनीतिक दल अगर ठोकर मारता है और उनको अनदेखा करता है तो उसको इसी तरह के हस्त्र का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज तक अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं या नेता हैं जिनसे भी बात होती है, आज तक वो पब्लिकली, बाद में देखिए साहब प्राइवेटली तो व्यक्तिगत तौर पर तो लोग क्या क्या कह जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई शख्स ये मानने को भी तैयार नहीं है कि यार ये बहुत बुरी तरह हार हुई है। ये क्या मतलब है? अरे भाई सामने आना चाहिए ना बोलने के लिए कि यार 63 सीट्स कम आई हैं हमारी, 63 सीट हमारी कम आई हैं। अब हमारी गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी, सबसे बड़ी बात क्या है, इट्स अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई है मोदी सरकार जो है, कोलिशन गवर्नमेंट है ना, जिसमें आप माइनॉरिटी हैं, यू आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन मतलब न्यूमेरिकल मेजोरिटी जो होती है, एक सिंपल मेजोरिटी आपके पास नहीं है। तो ऐसा क्या है ये, इसको जब तक कोई मानेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? और तीसरी चीज, अयोध्या के लोगों को गालियां दिया जा रही कि भाई हिंदुओं को धोखा दे दिया, सनातनियों ने धोखा दे दिया, हिंदू ऐसे ही होते हैं, 1000 साल से हिंदुस्तान जो है वो गुलाम रहा इन्हीं की वजह से, बताएं सर। देखे सर, मैं बहुत पहले से एक बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांत की राजनीति करती है ना, वो किसी की सगी नहीं है, किसी के प्रति वो वफादार नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब भारत के प्रधानमंत्री जी परिणाम आने के बाद देश के सामने आए तो प्रभु जगन्नाथ जी का उन्होंने जिक्र किया जी। और पूरे चुनाव भर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम चिल्लाते रहे। सातों चरण के चुनाव में जय श्री राम जी को जैसे ऊपर की पॉकेट से निकालते थे और जनता के सामने जय श्री राम कहना शुरू करते थे। और परिणाम आने के बाद जो व्यक्ति अपने धर्म के महापुरुषों का, धर्म गुरुओं का, हमारे देवी और देवताओं का राजनीतिक रूप से उपभोग करेगा, उस पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी तरह से लंपटाई करेंगे। जो सवाल आपने खड़ा किया अयोध्या को लेकर के, सर इन्होंने जो ट्रस्ट की कमेटी बनाई, उस ट्रस्ट के कमेटी में अयोध्या का एक व्यक्ति नहीं है। क्या लोगों के मन में ये बात सवाल नहीं उठता है? वहां की जमीनें जिस तरह से औने पौने दामों पर ली गई, डरा करके, धमका करके ली गई, और इतनी ब्यूरोक्रेसी खराब होगी, मैं तो इसकी कल्पना भी, मतलब उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स के बारे में तो मतलब मैं सोचता था कि ये संवेदनशील होंगे, लेकिन इतने संवेदनहीन निकले कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। उन लोगों ने भाप लिया था कि कैसे लैंड सिक्वायर हो रहे हैं राम मंदिर के लिए, औने पौने दामों पर गरीबों के जमीनें ले ली, और उसके बाद से बेतहाशा उसको बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े बिल्डर सब जा रहे हैं उनको जमीनें बेची जा रही हैं। क्या वहां के गरीबों ने इन चीजों को भुला दिया है? गरीबों ने नहीं देखा है? और वहां पर जो छत्रियों का गांव है, छत्रियों को ये कहा, छत्रियों का मानना यह है कि प्रभु श्री राम जी हमारे वंशज हैं। क्या वहां के छत्री जो गांव है, उन गांव से एक भी सदस्य को ना तो प्राण प्रतिष्ठा के समय बुलाया गया, ना ही मंदिर उद्घाटन के समय बुलाया गया, ना ही शिलान्यास के समय बुलाया गया? और वहां के दबे कुचले शोषित वंचित जो पीड़ित लोग हैं, किस तरह से घरों को उजाड़ा गया बिना मुआवजा दिए? जिसको मुआवजा मिला वो मार्केट रेट, सर्किल रेट से बहुत कम पैसे मिले।
कहने का सिर्फ मतलब यह है सर कि जब स्थानीय लोगों को, यहां तक कि जो साधु संत थे, उनके छोटे छोटे मंदिर, उनकी गलियों को चौड़ा करने के नाम पर उनके पुरखे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए घरों को तोड़ा गया, तो सर जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? कब तक आपके पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ वो खड़ी रहेगी? कब तक? जनता तो यही बात तो कह रही है और कह रही है। आज अखिलेश जी ने फिर वो टॉपिक उठाया कि आउटसोर्सिंग ऑफ पुलिस पोस्ट, पुलिस के काम को आप आउटसोर्स करने वाले हो। अग्निवीर में यही हो गया था और पूरे देश को विरोध किया था और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध अग्निवीर स्कीम्स का, और वो बीजेपी को भुगतना पड़ा। आज फिर पुलिस के काम को आप आउटसोर्स करके अखिलेश यादव जी ने इसको बहुत हाईलाइट किया, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए इसके विरोध। पेपर लीक्स, आउटसोर्सिंग, अग्निवीर, पेंशन, जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या बीजेपी इस पे सोच नहीं रहे कि बार बार एक के बाद यही चीज कर रहे हैं? हाउ यू सी मनीष सिंह जी, अखिलेश यादव जी ने हाईलाइट कर लिया इस चीज को आज। प्रदीप जी, मैं आपका बहुत आदर और बजाज सर का बहुत आदर करता हूँ, और आप लोग इतना स्पेस देते हैं, हमारे नेता का इतना आप लोग सम्मान करते हैं, हमारे नेता के सातों चरण के भाषण को उठा करके आप सुनिएगा। जब वो अग्निवीर का जिक्र करते थे तो हमेशा एक बात कहते थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में भी ये अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आएंगे। तब कुछ मीडिया के जो तथाकथित दिल्ली मीडिया है और जो अन्य प्रबुद्ध वर्ग जो तथाकथित लोग हैं, वो हमारे नेता पर हंसते थे, टिप्पणी करते थे और तमाम छोटी छोटी बातें करते थे। लेकिन मैं आपके चैनल्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने नेता के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बहुत दूरदृष्टि और दूरगामी सोच के नेता हैं। उनके बारे में कोई ये सोचे कि वो सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है। वो भारत के राजनीति को और भारत की व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और शायद वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है इसमें जितने भी नेता हैं उनमें सबसे इस बात को कुशलता से अगर किसी के पास जानकारी रहती है तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के पास रहती है। सातों चरण में इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, और आज जब जनता के सामने, जनमानस के सामने, ब्यूरोक्रेट्स के सामने, कॉर्पोरेट्स के सामने और तमाम नेताओं के सामने जब वो पत्र लीक हुआ और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि लिपकीय जो संभाग है उसमें हम आउटसोर्स करके हम कर्मचारी लाएंगे और उनके माध्यम से हम लिपकीय कार्य, जो लिपकीय संवर्ग है उसमें हम काम कराएंगे। सर, जब हमारा इंटरनल डिपार्टमेंट, जो हमारे गृह व्यवस्था को देखने वाला जो डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग सबसे हमारा संवेदनशील विभाग माना जाता है, खास करके कानून व्यवस्था के मसले पर, जब उसमें हम आउटसोर्स के माध्यम से जब लिपकीय संभाग के कर्मचारी लाएंगे तो कभी भी कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाएगा, कभी कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो नौजवान महंगी शिक्षा हासिल कर रहा है, गरीबी में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जिसके माँ बाप अपने खेत बारी गहने गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, क्या वो संविदा कर्मी बनने के लिए, क्या वो संविदा पर नौकरी करने के लिए? और सबसे दुख की बात है, अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान अखबार में छपा है, आपने सर देखा होगा, उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, मतलब कितनी मूर्खतापूर्ण बात ये नेता करते हैं, मतलब मुझे तो हंसी आती है। मेरे जैसे, मतलब कभी मैं संसदीय परंपराओं से नहीं जुड़ा रहा हूं, तब भी मुझे ये पता है कि कौन सी चीज कैसे करनी है। योगी आदित्यनाथ जी जो छह बार लगातार सांसद रहे हैं, गोरखपुर का उन्होंने नेतृत्व किया है, देश की संसद में वो रहे हैं, उनको भी इतना पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी नीति हम लेकर के आएंगे कि जनता पर उसका क्या असर पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि 5 बरस हम सरकारी नौकरी में, पहले 5 बरस विभागीय संविदा आपको रखेंगे, प्रति वर्ष आपको 60% अंक लाना पड़ेगा, अगर 60 से 59 भी अंक लाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी फिर नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए, एक लड़की के बारे में सोचिए जो संविदा पर रहेगी, उसको किस तरह के विभागीय शोषण का शिकार होना पड़ेगा, आप सर इस बात को सोचिए। एक नौजवान जो 5 बरस संविदा पर नौकरी करेगा, जिसके अधिकारी उसको उसका अंक देंगे, जो अधिकारी उसके बारे में फीडबैक देगा, अब आप सोचिए कि विभागीय उत्पीड़न किस स्तर तक उन नौजवानों का होगा। ये बात योगी आदित्यनाथ जी कभी नहीं सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं किस मानसिकता के नेता है, ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन उनको इस तरह का निर्णय नहीं करना चाहिए था। आज ही तमाम अखबारों में ये बातें छपी हैं। तो सर, कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आपसी झगड़े में, आपसी झंझावात में फंसी हुई है। संगठन महामंत्री कोई और बयान दे रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बयान दे रहा है, आरएसएस प्रमुख कुछ और बयान दे रहा है। अभी आपने देखा ना कि 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख का बयान क्या था, कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है।
अब उसको सुलझाने का समय है, नहीं तो हमारे हाथ से मणिपुर निकल जाएगा। अब आप सोचिए कि जब दो कम्युनिटी के बीच में इतने लंबे समय से संघर्ष हो रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सर आप बात करते होंगे, तो पहले वो क्या कहते थे कि यूक्रेन और रसिया का वार मोदी जी ने रुकवा दिया, वो कहते थे ये बात। उसके बाद से उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा मोदी जी की वजह से शांत हुआ। अरे अब जिसके देश में एक राज्य का झगड़ा नहीं सुलझ रहा है, वो चल रहा है दूसरे देशों के झगड़े सुलझाने। तो इतनी छोटी और ओछी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, ये बात अब जनता के सर के ऊपर से निकल जा रही है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब लफाजी करना शुरू किया है, इनकी बातों पर अब यकीन करना और भरोसा करना जनता के हित में नहीं है। अब आज ही देखिए कि पराग ने भी, अमूल ने पहले दाम बढ़ाया अपने दूध का, आज पराग ने भी दूध का दाम बढ़ा दिया जी। तो अब तो जिसको जो मन कर रहा है, जब मार्केट, आप कोई भी संस्थान जो प्राइवेट कंपनियां हैं किसी को भी बाजार के हवाले आप कर देंगे। इसीलिए लोहिया जी हमेशा कहते थे कि जब तक भारत जैसे विशाल देश में जो क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा है, जब तक हम इस देश में दाम बाधो नीति नहीं लागू करेंगे, जब तक दाम बाधो सिद्धांत नहीं लेकर के आएंगे सरकार में, तब तक हम देश में अनियंत्रित व्यवस्थाएं देखने के लिए मजबूर होते रहेंगे। इसीलिए सर हम आपके चैनल के माध्यम से क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जनता के हित में फैसला करिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को सोचना। मुझे तो नहीं लगता, बिकॉज मेरा सोचना यही था वेरी फ्रेंकली। जब रिजल्ट आए तो ये देखा कि भाई 240 सीटें बीजेपी के पास हैं और अभी वो डिपेंडेंट हैं बाकी पार्टीज के ऊपर, लेकिन जिस प्रकार कैबिनेट की अनाउंसमेंट हुई है वहां तो टोटल कंटिन्यूटी है सर, वही पोर्टफोलियो हर एक को गए हैं। और आज तो एक और अनाउंसमेंट आ गई है, पीके मिश्रा जी वही प्रधान सचिव रहेंगे प्रधानमंत्री जी के, और अजीत डोवल साहब विराजमान हैं अपनी पोस्ट पे। तो मतलब कुछ बदला नहीं है, नथिंग इज चेंज्ड सर 19 जिस सरकार के 19 कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हार जाएं, पब्लिक के द्वारा खारिज कर दिए जाएं जी, मोदी जी इतने चतुर नेता है, मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सर, चतुर नेता है, जो हार का ठिकड़ा अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जो टीम है उसके ऊपर नहीं डालना चाहते हैं, वो सारा का सारा ठिकड़ा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पॉलिटिशियंस के ऊपर डालना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी अपने किसी भी व्यक्ति को नहीं हटाएंगे, मोदी जी किसी भी अपने अपनी टीम में किसी भी व्यक्ति को नहीं, कि जिनके ऊपर जनता का कोई भी व्यक्ति या विपक्ष ये हमला कर सके, विपक्ष ये बात कह सके कि फला व्यक्ति को मजबूरन में मोदी को हटाना पड़ा। मोदी जी अपने ऊपर, जीत का सहरा अपने सर पे बांधते हैं और हारने का सहरा जो है स्टेट पॉलिटिशियनों के ऊपर डालते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है और उस इन दोनों के पीछे पीछे जो चलने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, इनकी जो तिकड़ी है अब वो जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी समझ लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके कुपभाजन का शिकार बन चुके हैं, जो नेता जानते हैं कि इनके रहते उनका भविष्य नहीं है, अब तो भारतीय जनता पार्टी आपस में काफी द्वंद कर रही है, काफी फंसी हुई है। अब विपक्ष के लोगों को बहुत कुछ कहने, सबका विश्वास, मोदी जी कह रहे मोदी 3.0, सबका साथ सबका विश्वास, 72 मिनिस्टर है उसमें से 27 हमने ओबीसी को दिया है, 10 शेड्यूल कास्ट को दिया है, 5 शेड्यूल ट्राइब को दिया है, अल्पसंख्यक को 5 दिया है, महिलाओं को 7 दिया है। मोदी जी अनाउंस कर दिए है कि सर्व सब इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हर सेक्शन के लोग इसमें इन्वॉल्व है और सबको मैं साथ लेके चल रहा हूं। तो मोदी 3.0, सबका साथ सबका विश्वास, ना तो सबका साथ मिला है, ना तो अब जनता का इनके ऊपर विश्वास है, ना ही इनका आगे चल करके अब कोई सहयोग करने वाला है। ओबीसी कम्युनिटी को आप कितना प्रतिनिधित्व देते हैं, अपर कास्ट को कितना प्रतिनिधित्व देते हैं, आप शेड्यूल कास्ट को कितना प्रतिनिधित्व देते हैं और माइनॉरिटी को कितना प्रतिनिधित्व देते हैं, ये आपके सरकार का स्वरूप है कि आपने तय किया है कि अपने हिसाब से कि हमारे साथ कौन कैबिनेट में रहेगा। सर इस बात का सवाल नहीं है। अब ओबीसी का अगर सांसद मिनिस्टर बना है तो आप पूछिए कि प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से मोदी जी की सरकार में कैसे बढ़ता चला गया। अगर प्राइवेटाइजेशन आप पूरी देश में लागू कर देंगे, पूरी संस्थाओं को आप बेच देंगे, सारी संस्थाओं को आप प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर देंगे, तो आरक्षण बचेगा ही नहीं। तो अगर कोई बैकवर्ड कम्युनिटी का अगर मिनिस्टर भी बन जाएगा तो उसके बनने का लाभ क्या है। अगर शेड्यूल कम्युनिटी का कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन जाएगा और उसके आंखों के सामने
किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई कुलपति अगर कोई दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति अगर योग्य व्यक्ति नहीं बनता है तो ये दुर्भाग्य है। वो सांसद मंत्री बने संतरी बने, किसी की मोदी के आगे कोई हैसियत नहीं है। मोदी किसी को कुछ समझते नहीं है, एक सामंती एक डिक्टेटर पॉलिटिशियन है। मोदी जी का जो तानाशाह चरित्र और चेहरा है वो सभी उससे वाकिफ है। और मोदी के अहंकारी डिक्टेटरशिप और तानाशाही जो चरित्र है, सामंती जो चेहरा है, उसी के खिलाफ भारत की जनमानस ने वोट किया है। यहाँ पर बहुत जिम्मेदार मनीष सिंह जी, एक छोटी सी चीज, चलते चलते कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए बोलिए बोलिए, खत्म नहीं सर, आप सर आप क्वेश्चन कर लीजिए। सर सर एक छोटी सी चीज है, मेरे लिए जरा ये डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे खुद के लिए व्यक्तिगत तौर पर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कि चाइना से जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए वीजा नॉर्म्स इंडिया के लिए वो ईज कर दिए जाएं, इंस्टेंट वीजा दे दिया जाए उनको कि वो भारत में आकर के काम कर सके। भारत को चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत है, ये ऑफिशियल लेटर गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? सर देखिए, चाइना मैं थोड़ा सा इसके विवरण में जाना चाहता हूँ। अभी मैं नेपाल में जब था तो नेपाल में जो भारत को लेकर के एक चेहरा बना है, मोदी जी की सरकार आने के बाद से जो तराई बेल्ट था, जो मधेसी बेल्ट है नेपाल का, वो मोदी जी को लेकर के पहले बहुत उम्मीद थी। वहां के लोगों ने जब पशुपति जी का दर्शन करने गए, माँ जानकी जी का दर्शन गए, उन्होंने एक आवरण और एक आभा मंडल तैयार किया जो मोदी जी ने, तो मोदी जी के ऊपर एक वहां के लोगों का बहुत विश्वास था। लेकिन आज के समय में नेपाल दो भाग में बढ़ चुका है, वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से। पहाड़ी लोग चीन की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं और मधेसी लोग भारत की तरफ झुकाव रख रहे हैं। लेकिन मधेसियों का यह मानना है कि जो हमें उम्मीद थी मोदी की सरकार की नीतियों से, वो आज के समय में हमें पूरी तरह से मोदी जी की सरकार ने वादा खिलाफी किया है। मैं इंजीनियरों की बात कर रहा हूं, आपने जो सवाल उठाया है सर, चीन वहां पे जो काम कर रहा है, मधेसी लोग आज के समय में भारत से ज्यादा, भारत की सरकार से ज्यादा भारत के हितों की रक्षा के लिए मधेसी लोगों ने चीन के जो भी काम चल रहे हैं, मैंने वहां पे ग्राउंड पे देखा है सर जाकर के वहां पे, कि मधेसी जो बेल्ट है, हमारे 5 राज्य मधेसी बेल्ट से लगते हैं जी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बंगाल और बिहार, सॉरी चार राज्य लगते हैं हमारे। तो सर जो चार राज्य है ना, वहां पे जो पूरा तराई बेल्ट है मधेसी बेल्ट है, यहाँ के लोगों ने चीन की जो मशीनरी है, जो चीन के लोग काम कर रहे हैं, वहां के लोगों को रोका है। अब आप सोचिए, आपने जो सवाल किया, आपके मधेसी लोग जो दूसरे देश में है, वो आपके विचारों से आपके देशों से सहमति रखते हैं, अपनी वेशभूषा खान पान रोटी बेटी का उनका रिश्ता है, वो आपके देश तक न पहुंच पाए इसलिए वहां के इंजीनियरों को काम करने से रोक देते हैं, वहां की व्यवस्थाओं से लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं आपके लिए, और आप उनको बुलावा भेज रहे जी। तो क्या उससे ठेस नहीं पहुंचेगा, क्या उससे तकलीफ नहीं होगी? पहाड़ी क्षेत्र में चीन ने काम कर लिया नेपाल में, लेकिन मधेसी क्षेत्र में चीन काम नहीं कर पा रहा, इसलिए कि वो आपके लिए लड़ रहे हैं कि अगर हमारे बेल्ट से वो बॉर्डर सीमा तक अगर पहुंच गया चीन, तो कल के तारीख में भारत पर खतरा मंडरा सकता है। तो वो आपके लिए लड़ रहे हैं और आप उनको बुलावा अपने भेज रहे हैं, इससे और सोने पे सुहागा अग्निवीर स्कीम, जिसकी वजह से गोरखास की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है सर। सर ये पिछले डिबेट्स में जब आपने ये मुद्दा उठाया था, तो इसके बारे में मैंने विस्तार से वहां पर जाकर के इस चीज को समझा, और सच में ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां के लोग जिस वफादारी से आपके साथ खड़े हैं, आप उस वफादारी की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। आप मतलब मेरे जैसा एक कम उम्र का व्यक्ति, बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेरी हैसियत कोई नहीं है, जितना स्नेह प्यार और सम्मान मिला मैं अभिभूत था, और वहां के लोग आपकी सेना में काम करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें छोटा ही पद दे दो, छोटा ही, लेकिन मेरे जीवन को सुरक्षित तो रखो। अगर 4 साल तुम्हारे साथ हम रह करके और तुम वापस मुझे भेज दोगे, तो हम तो अपने देश में किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल, तो आगे क्या होगा क्या इसके बारे में, क्योंकि 234 सीटें अब आपकी हैं इंडिया अलायंस की, क्या आदरणीय सम्माननीय मोदी जी जो है उनकी सरकार क्या अब ये 234 लोगों की बात सुनेगी या नहीं सुनेगी? सर मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं
कि हम उनके दया के मोहताज नहीं है, हम उनके कानों में इतना चिल्लाएंगे अपने मुद्दों को लेकर के, उनके कानों तक इतने अपने मुद्दों को सुनाएंगे कि उनको सुनना पड़ेगा। और मोदी जी ये सोचते हैं कि पानी का कैनल हमारे ऊपर डलवा देंगे, बुलेट हमारे ऊपर चलवा देंगे, मोदी जी सड़कों पर कीले गड़वा देंगे, तो हम इन सभी चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता के मुद्दों पर उनसे सवाल करेंगे, और संसद ही नहीं, सड़कें सूनी नहीं होंगी, सड़कों पर संघर्ष होते हुए दिखेगा। अग्निवीर योजना को खत्म कराने की हमारी पहली प्राथमिकता है, और उसकी जो झलक है वो 24-23 तारीख से लेकर और 3 तारीख तक जो पार्लियामेंट का सेशन चलने जा रहा है उसमें अग्निवीर योजना को खत्म कराने के लिए उसकी पहली झलक सर मैं कह रहा हूं कि आपको दिखाई देगा। और अग्निवीर योजना समाप्त कराना ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, पहला हमारा मुद्दा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम जाति जनगणना के लिए बात करेंगे सरकार को, सामाजिक न्याय के लिए बात करेंगे, और ये कहेंगे कि भारत की जनता के सामने भारत सरकार ये शपथ ले कि संविधान के बारे में, संविधान के ऊपर अहित करने के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे। पीडीए को आपको यूपी से बाहर निकालकर पूरे देश में आपको एक सक्सेसफुल फॉर्मूला के तौर पर पीडीए को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ऐसा होगा। पीडीए सर हमारा परिवार है, समाजवादी सिद्धांत हमारा संस्कार है, हम तो चाहेंगे कि हमारी विचारधारा का विस्तार हो, हमारे पीडीए परिवार का विस्तार हो। और पीडीए परिवार के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी करते थे, अब उनकी जुबान खामोश है। पीडीए का जो पराक्रम है उसको पूरे देश ने देखा है, समाजवादी जो संस्कार है वो जनता के जनादेश में दिखाई दिया है। और बजाज सर तो पहले डिबेट्स में कई बार कहे कि मनीष तुम्हारे इलाहाबाद में इतनी भीड़ हुई, इतनी गैदरिंग हुई, उस भीड़ और उस जो भीड़ की ताकत थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा। मोदी जी जैसा व्यक्ति, अब सोचिए ना कितना बड़ा आदमी, हमारे रैलियों पर टिप्पणी कर रहे थे, कह रहे थे कि उदंडता हो रही है, पैसे के लिए मारामारी हो रही। अरे वो पैसे के लिए मारामारी, लोग अपने घर से खा करके आ करके पानी की बोतल अपने साथ लेकर के आ रहे थे, और वो हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके करीब जाने के लिए जो उनका उत्साह था, उमंग था, वोटों में दिखाई दिया है। मोदी जी अब आपकी सत्ता बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, जल्द ही हिंदुस्तान की सत्ता से आपकी विदाई होगी। मंगलसूत्र सुरक्षित है कि नहीं ये बता दीजिए, और भैंसे कितनी गई, किधर गई, ये भी जरा बता दो। सर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद, दिवाली, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, अब इन सभी चीजों से मतलब इतना दुर्भाग्य जो 10 वर्ष सरकार चला ले और उसके बाद भी इन मुद्दों पे बात करे, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी राजनीति कितनी सतही हो चुकी है, कितनी मतलब कितनी ओछी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, सर मैं तो सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जब भी आपसे बात होगी तो सिर्फ इतना ही कहिएगा कि अब तुम लोग मुद्दों पर राजनीति करो, इसलिए कि देश की जनता अब मुद्दों पर बात करना चाहती है, उनके हक पे। एक चीज और बची है पूछने वाली, वो एक वाक्य में भी आप बोल सकते हैं। एक शख्सियत है, बड़े बहुत बड़े आदमी हैं सर, बहुत जबरदस्त, उनका नाम है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी ने पता नहीं क्या क्या प्रेडिक्शन दी थी, सब गलत हो गई वगैरह वगैरह, पता नहीं, वो मानते हैं गलत नहीं हुई। उनका ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम वोट जो है वो 20% है, तो कांग्रेस को तो सिर्फ 21% वोट मिला है, तो 20% तो उनको वैसे ही मतलब क्या है कि वो मेहरबानी खाते में मिल गया और बाकी 1% और मिला है, तो ये तो कांग्रेस के लिए वर्स्ट रिजल्ट है, ऐसा उनका मानना है, थर्ड वर्स्ट रिजल्ट फॉर द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी, ऐसा इन्होंने कहा प्रशांत किशोर जी। सर भारतीय राजनीति के प्रशांत किशोर जी नारद हैं और एक ही मटेरियल हर जगह बेचते हैं, वो तो जो मटेरियल बिकता हर दरवाजा तो घूम चुके हैं। अब वो बिहार की पदयात्रा के माध्यम से तकरीबन 18-19 जिले उन्होंने भ्रमण किए, अब उन्होंने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया है कि अब हम जन सुराज पार्टी बनाने जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिसकी पॉलिटिकल कोई क्रेडिबिलिटी ना हो वो राजनीतिक पार्टी बना रहा है, जबकि इस चुनाव में जनता ने क्या नारा लगाया कि दही चिवड़ा राज का, ओटवा सुराज का। ये सर भारत की सरकार ने कहा कि हम तुम्हें मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम तुम्हें मुफ्त में तेल दे रहे हैं, हम तुम्हें खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, और उसके बाद तो जनता ने कहा कि हाँ ठीक है दे रहे हैं, लेकिन जनता ने यह भी कहा कि दही चिवड़ा राज के, मतलब आप जो दे रहे हैं वह राजपाट का है,
लेकिन ओटवा स्वराज का मतलब हम जो वोट देने जा रहे हैं वो जन स्वराज के लिए दे रहे हैं, अपने स्वराज के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए देने जा रहे हैं। तो जनता ने स्पष्ट रूप से जो एक संदेश दिया है वो भारतीय जनता पार्टी और सर प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों के ऊपर, आप जैसे वरिष्ठ लोग और प्रदीप सर जैसे वरिष्ठ लोग अगर बात करेंगे तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। और ये देखिएगा जल्दी इनका बोरिया बिस्तरा इनका पैक होने, जिस दिन मोदी जी विदा होंगे उसके पहले भी विदा हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर मनी सिंह जी, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। जब मुंबई आइए तो जरूर मिलिएगा प्लीज, इट विल बी अ प्लेजर टू वेलकम यू एट द ऑफिस। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद। एंड द समाजवादी पार्टी इज रियली एंड ट्रूली डन वेरी वेल इंडीड, 37 सीट्स इन उत्तर प्रदेश, दैट इज फैंटास्टिक। एंड व्हिचएवर वे यू कट इट, व्हिचएवर वे यू स्लाइस इट, व्हिचएवर वे यू लुक एट इट, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। And the study that he has done in every constituency and the way he has distributed the tickets impartially. The first time he says that not more than five other people got, Yadav community got tickets. Yes, only five tickets to Yadav. Yes, that's yes, it. Yes. Fantastic, absolutely fantastic. And well, he's managed to stop the BJP. That's where the BJP has lost. Yes. Let's be very clear. Bharatiya Janata Party ki jo seatein kam hui hai, wahi hui hai. 33 seatein aayi hai Bharatiya Janata Party ki. 64 seatein thi, 62 seatein thi, 62 plus 2. तो लिहाजा मतलब 62 माइनस 33 तो वहीं पर हो गए, लॉस्ट, यस, दैट्स इट, 29 सीटें कम हो गई। एंड दैट इज एग्जैक्टली 30 सीट्स इज मोर ऑर लेस द यू नो व्हाट दे रिक्वायर्ड टू हैव अ सिंपल मेजॉरिटी। एंड समाजवादी पार्टी हैज बीन रिस्पांसिबल फॉर स्टॉपिंग द बीजेपी राइट देयर इन उत्तर प्रदेश एज दे सेड दे वुड एंड दे हैव डन इट। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो, आज के शो में सिर्फ इतना ही। सुनेत्रा पवार जी ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है राज्यसभा की सीट के लिए, यानी अजीत दादा पवार, मिसेज अजीत दादा पवार ने। एंड सर वो परिवारवाद नहीं है ना, दैट डज नॉट कम अंडर, एनीवे वी विल टॉक अबाउट दैट, इट प्रोबब्ली द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बीजेपी टॉप मिनिस्टर दैट यू हैड फील्ड सुनेत्रा पवार देयर, बिकॉज़ छगन भुजबल जी बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे कि ही वुड बी अ रियल एसेट, छगन भुजबल ही वुड हैव बीन। और बबुल पटेल जी का बार बार ये कहना कि छगन भुजबल नाराज नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है। दैट्स इट, दैट्स इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वो सब्सक्राइब कीजिएगा भैया चैनल को, प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन कीप गेटिंग अपडेट एज एंड व्हेन वी अपडेट ऑल थ्रू आउट द डे। एंड ऑफकोर्स कीप वॉचिंग द शो, कीप वॉचिंग Nation Now. We'll of course be back with you tomorrow, and do keep sending in your comments. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Aap sab logon ko jai Sri Ram, har har Mahadev. Har har Mahadev.